रायपुर में वैक्सीनेशन के नाम पर घर में घुसकर लूट करने वाले आरोपी सामान सहित पकड़ाया। राजधानी रायपुर में डीडी नगर थाने के अंतर्गत 2 जुलाई को सालासर ग्रीन कॉलोनी में एक फ्लैट की छठी मंजिल पर एक परिवार को वैक्सीनेशन लगाने के नाम पर एक 35 साल का युवक और एक लड़की गए थे। वह बातचीत करने के बाद परिवार में एक लड़के को बाथरूम में बंद कर दिया और महिला को डरा धमका कर घर के कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद सोना चांदी के जेवरात, एक मोबाइल और लैपटॉप लूट कर ले गए थे। पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए लूट का मामला दर्ज कर एक टीम गठित की, जिस एक्टिवा से आरोपी आए थे उसका नंबर टेस्ट कर जांच पड़ताल कर रत्नागिरी से आयशा और इशरात को खोजबीन कर दोनों आरोपियों को मां सहित गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड इकबाल हक की रिपोर्ट। नगर के सालासर ग्रीन सिटी में 2 जुलाई को एक घटना घटित हुई थी। सालासर ग्रीन सिटी के एक अपार्टमेंट है जिसके 6 फ्लोर पे लगभग 4:30 बजे के आसपास धर्मशीला और संजीव कुमार और उनके बच्चों का घर है, वो संजीव कुमार कहीं बाहर गए थे। उसी दौरान एक 35 साल का लड़का और उसी के आसपास उम्र की एक लड़की वहां पर आए। उन्होंने वैक्सीनेशन के नाम पर उनसे बातचीत की और उसी दौरान उन्होंने धक्का देकर महिला को गिरा दिया और उसके घर के अंदर घुस गए इन्होंने, और जो उनका लड़का है उनको बाथरूम में बंद कर दिया और महिला को किसी रूम में बंद कर दिया और उसके घर में सोने चांदी के जेवरात, एक लैपटॉप और एक मोबाइल, इसको लेकर वहां से चले गए थे। इसमें 342-394 लूट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें साइबर की टीम, थाना डीडी नगर की टीम, सीएसपी पुरानी बस्ती के नेतृत्व में गठित की गई थी। इसमें टीम लगातार लगी रही और जो नंबर है, जो गाड़ी का नंबर है जिसका यूज़ इसमें किया गया था, एक्टिवा, उसको डिस्क्लोज किया गया। उसके आधार पर जहां से इन्होंने एक्टिवा लिया था उस व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद इनका जो आईडी इनको मिला उस आधार पर रत्नागिरी में लोकेट हुआ जो आरोपी का नंबर है, उस आधार पर एक टीम रवाना की गई और वहां पर से आयशा और उसका जो जिसके साथ शादी तय हुई है मंगेतर इरशाद, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से सोने चांदी के जेवरात और एक लैपटॉप मोबाइल जब्त किया गया है लगभग 1 लाख के आसपास का, और इन दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।